ये क्राइम ब्रांच और कैंट और शिवपुर थाने के ज्वाइंट पुलिस के टीम के द्वारा एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक बाइक चोरी करने वाले गैंग का जो है खुलासा इसमें हुआ है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 19 बाइकें जो है इसमें बरामद हुई है। जो गिरफ्तार किए गए अभियुक्त हैं उनका नाम है शिवम सिंह, अखिलेश यादव, करण सिंह और सुजीत कुमार। शिवम सिंह जौनपुर का रहने वाला है, अखिलेश यादव गाजीपुर का, करण सिंह चंदौली का और सुजीत कुमार वाराणसी का रहने वाला है। इनके द्वारा एक अंतर जनपदीय गैंग चलाया जा रहा था, इवन ये अंतर्राज्यीय भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि बिहार में भी इनके द्वारा कई बाइकें जो है बेची जाने की बात संज्ञान में आए हैं। अभी तक जो रिकवरी की है वो बहुत कम रिकवरी हुई है, अभी और इनके द्वारा काफ़ी संख्या में बाइकें अन्य जनपदों में बेची जाने के तथ्य संज्ञान में आए हैं और इसके गैंग के अन्य मेंबरों के बारे में भी हम लोग पूछताछ करके और जानकारी इनके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि ये लोग सभी स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th के, यूपी कॉलेज में ये पढ़ाई कर रहे हैं और इनके द्वारा कई दिनों से ये घटनाएँ लगातार बाइक चोरी की जा रही थी और हर समय इनको अपना स्टूडेंट होने का लाभ उठाते ये चेकिंग में जो है निकल जाते थे। तो एक बड़ी कामयाबी और उपलब्धि जो है कैंट और शिवपुर पुलिस को और क्राइम ब्रांच को यहाँ आज उपलब्ध हुई। सर आपको कुछ पता चला है कि किस लिए करते थे ये लोग? ये मुख्य रूप से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे, शौक अपने पूरे करने के लिए करते थे। चोरी का तरीका क्या होता था इन लोग का बाइक का? बाइक चोरी नॉर्मली जो है कीज़ रहती है, मास्टर कीज़ वगैरह रहती है, उनके माध्यम से करते हैं। कई बार पुरानी बाइकें रहती है उनके लॉक्स जो है आसानी से खुल भी जाते हैं, वो दोनों तरीके से ये लोग करते हैं। इससे पहले सर अभी इसके पहले ये लोग गए थे, पता चला कि लोग इसमें दिल्ली भी गए थे जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके हवाई जहाज से, वो बाकी सारी पॉइंट्स पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जहाँ इनके द्वारा बेची जाने की संभावना है वहाँ पर भी जानकारी हम लोग कलेक्ट। सर किसी अन्य गिरोह से ताल्लुक भी है क्या इनके? इनका गैंग काफ़ी बड़ा है और पूरा नेटवर्क जो है इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी जांच जो है अभी और चल रही है, विवेचना चल रही है।